हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंटीरियर यार। मैं हूँ आर्किटेक्ट सुगंधा। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इंटीरियर के टॉपिक्स, वास्तु शास्त्र के टॉपिक्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वास्तु शास्त्र का टॉपिक। एक एक आपके साथ वास्तु शास्त्र का ऐसा टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। बिकॉज आज मैं आपके साथ ऑफिस के ओनर के कैबिन को लेकर बहुत खास वास्तु टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ ऑटोमेटिकली दिखेगी। तो चलते हैं हमारे वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो फर्स्ट पॉइंट है ये कि जो ऑफिस का ऑनर होता है उसका जो कैबिन है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। और जब वो सिटिंग करे, जहाँ पे भी उसकी सिटिंग बनाई जाए, जब वो बैठता है अपनी सीट के ऊपर, तो जो उसका फेस है, द फेस शुड बी टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। बिकॉज नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो बिजनेस को प्रमोट करती है। अगर जो ऑनर है फेस उसका नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर होगा तो बिजनेस अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। थर्ड पॉइंट, मोस्टली ऑफिसेज के अंदर ये देखा जाता है कि जहाँ पे ऑनर बैठे होते हैं उन्हीं की बैक साइड की वॉल के ऊपर एक छोटा सा पूजा स्पेस बना दिया जाता है, जो कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। जो भी ऑनर है उसकी बैक वॉल के ऊपर कभी भी कोई पूजा स्पेस नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर बात करते हैं कि चलो ठीक है कि हमारा अगर वहाँ पे टेम्पल नहीं होना चाहिए, पूजा स्पेस नहीं होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए? वहाँ होनी चाहिए एक सिंपल वॉल जो कि पॉजिटिविटी लेकर आए। काफी ऑफिसेज के अंदर आपने ये देखा होगा कि जो पार्टीशन होते हैं वो वॉल से नहीं किए जाते, बल्कि कुछ ग्लास स्ट्रक्चर्स या फिर वुडन स्ट्रक्चर से कर दिए जाते हैं। बट यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र कभी भी आपको जो भी ऑफिस का ऑनर है उसकी बैक साइड पे हमेशा वॉल रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले पॉइंट में बताया, कभी कोई ग्लास स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, कोई वुडन स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। वुडन स्ट्रक्चर इन दैट केस की पार्टीशन नहीं होना चाहिए, बट अगर आप अपने वॉल के ऊपर कोई वुडवर्क करवाना चाहते हो वो आप करवा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आपने ये पहले कभी सुना भी होगा, बट मोस्टली क्या होता है कि हम लोग सुन लेते हैं बट ध्यान नहीं देते। तो वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है, जो भी ऑनर की टेबल है वो किसी भी इररेगुलर शेप में नहीं होनी चाहिए, वो एक रेक्टेंगुलर शेप में ही होनी चाहिए। एज इट ब्रिंग्स पॉजिटिव एनर्जी इन द ऑफिस एरिया। तो ये सभी वास्तु टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो ऑफिस के ओनर के कैबिन होते हैं, ये सभी उसके लिए हैं। आप अगर इन सभी वास्तु टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका भी बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। बिजनेस को एक सडन ग्रोथ मिल सकती है, एक ऐसी ग्रोथ मिल सकती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ये टिप्स खुद भी फॉलो करें और अपने नियर एंड डियर्स को भी बताएं, सो दैट उनको भी अपने बिजनेस के अंदर अच्छी ग्रोथ मिल सके। कोई भी क्वेरीज के लिए ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, यहाँ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और नीचे कमेंट सेक्शन में भी किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग आप मुझे लिख सकते हैं। बस करना आपको क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, सो दैट जिसको भी बिजनेस में थोड़ी बहुत इश्यूज आ रही हों, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों, सब तक ये वीडियो पहुँच सके। और सभी लोग इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके अपने बिजनेस को एक नई ग्रोथ तक लेके जा सके। मैं मिलती हूँ आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।